कंगना रनौत का मच अवेटेड शो लॉकअप का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब इस शो को कैदी भी मिलने शुरू हो चुके हैं। फेमस कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी कंट्रोवर्सी के चलते जिनके शोज कैंसिल हुए थे और वे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिरे थे, उन्हें अब कंगना के लॉकअप में अत्याचारी गेम खेलते हुए देखा जाएगा। कंगना की जेल में रहने के लिए मुनव्वर को अपनी जिंदगी के कई रात से पर्दा उठाना पड़ेगा। कॉमेडी करते समय मुनव्वर ने कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी थी कि उन्हें धमकियां मिलने लगी थी और इसीलिए 12 शो को महज 2 महीने में कैंसिल कर दिया गया था। अब वे फेमस होने कंगना के शो में आ धमके हैं। ऑल्ट बालाजी ने टीजर को कैप्शन के साथ शेयर करते हुए लिखा, शो हुए हैं इनके कैंसिल, क्या चलेंगे लॉकअप में इनके प्लान्स। वैसे आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी कंगना को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये बात हम उनके ट्वीट्स देखकर कह सकते हैं। दरअसल इन दिनों कॉमेडियन के पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। एक में लिखा है, कंगना नेपोटिज्म के खिलाफ है लेकिन खुद की बहन को ही मैनेजर रखा है। दूसरे में लिखा, कंगना की डायरेक्ट की गई मूवी में लीड में कौन सा न्यूकमर था, उप्स कंगना ही थी। मुनव्वर फारूकी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर भी कंगना पर अटैक किया था। मुनव्वर फारूकी ने ट्वीट कर पूछा था, न्याय आखिर दिलाना किसे है, सुशांत को या कंगना को। जब बीएमसी ने कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस को गिराया था तब मुनव्वर ने लिखा था, सीबीआई रिया के लिए, जेसीबी कंगना के लिए। मुनव्वर ने 2020-21 में कंगना पर निशाना साधते हुए कई सिलसिलेवार ट्वीट्स किए थे। उन्होंने कंगना के बात करने का तरीके पर भी मजाक बनाया था। अब मुनव्वर फारूकी के ट्वीट पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, शो में कॉमेडियन कंगना से पंगा लेंगे या उनकी बात को सिर आंखों पर रखकर मानेंगे। खैर, ऐसा लगता तो नहीं, पर जो भी हो, कंगना और मुनव्वर को एक ही मंच पर देखना एक्साइटिंग ज़रूर होगा। क्या आप भी कर रहे हैं लॉकअप का इंतज़ार, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।